भागलपुर के सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय परिसर में शनिवार को 3 दिवसीय किसान मेला सह उद्यान पशु प्रदर्शनी की शुरुआत की गई। किसान मेला का उद्घाटन बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, सांसद अजय कुमार मंडल, गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज, सुल्तानगंज विधायक डॉक्टर ललित नारायण मंडल और बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर डीआर सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस दौरान मौजूद अतिथियों का स्वागत आदिवासी नृत्य के साथ किया गया, जबकि मंत्री श्रवण कुमार का स्वागत कुलपति ने अंगवस्त्र, पुष्पगुच्छ और मोमेंटो देकर किया। तकनीकी आधारित खेती से आत्मनिर्भर किसान विषय पर आयोजित किसान मेला सह कार्यशाला में कृषि अनुसंधान में आवश्यक नवाचार को लेकर कृषि वैज्ञानिकों को उन्नत कृषि तकनीकों का प्रदर्शन करने की बात कही गई। वहीं किसान मेला में 160 से अधिक स्टॉल में उन्नत तकनीकों, कृषि उत्पादनों और यंत्रों के अलावा कई तरह की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। प्रदर्शनी में साग सब्जी, फल फूल, संरक्षित पदार्थ, औषधि एवं सुगंधित पौधे की प्रदर्शनी लगी हुई है, जिसका मंत्री के साथ तमाम अधिकारियों ने अवलोकन करते हुए विशेषज्ञों से उत्पादन और फसल से संबंधित जानकारी ली। इस दौरान उत्कृष्ट किसानों को सम्मानित भी किया गया। अपने संबोधन में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर डीआर सिंह ने कहा कि बिहार राज्य 76% कृषि पर निर्भर है, जिसमें करीब 95% किसान छोटे और मंझोले हैं, जबकि तकनीक आधारित खेती पर जोर देने की बात करते हुए खेती की उन्नत तकनीक के साथ जलवायु परिवर्तन को भी उन्होंने एक बड़ी चुनौती बताया, इसका समाधान कर लेने की बात भी उन्होंने कही। वहीं मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार को विकास के मार्ग पर आगे ले जाने की बात करते हुए कहा कि सबौर कृषि विश्वविद्यालय कृषि और किसानों के हित में शोध कार्य के माध्यम से किसानों को बेहतर विकल्प देने का काम करता है। मंत्री ने कहा कि नीतीश सरकार द्वारा चतुर्थ कृषि रोडमैप 2023-28 का भी अनुमोदन बिहार विधानमंडल से कराया गया है। मौके पर नाथनगर विधायक अली अशरफ सिद्दीकी, प्रसार शिक्षा निर्देशक डॉ. आर. के. सोहाने, पीआरओ डॉ. राजेश कुमार, डॉ. अनिल कुमार सिंह समेत विश्वविद्यालय परिवार के सदस्य, कृषि वैज्ञानिक, किसान और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। क्षेत्र में युवाओं को कौशल आधार प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार के माध्यम से विकास के मुख्य धारा में जोड़ने और उसे आगे ले जाने की जिम्मेदारी के निर्वहन में विश्वविद्यालय की विशेष योगदान है, विशेष भूमिका है। कृषि में समेकित विकास और किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित प्रयोग किए जा रहे हैं, जिसमें चतुर्थ कृषि रोडमैप 2023-28 का अनुमोदन बिहार विधानमंडल से करा के उनका कार्यान्वयन प्रारंभ किया गया है। आप सबको मालूम है किस कृषि विश्वविद्यालय ने खेती के विकास हेतु अनेक अनुसंधान करके बड़ी संख्या में विभिन्न फसलों के उन्नत प्रभेद को विकसित किया है। हमारे राज्य के किसान की कठिन मेहनत और हमारे सरकार के लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों का परिणाम है। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत तवलपुर चौक के समीप शनिवार को सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें दर्जनों की संख्या में लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। घटना को लेकर बताया गया कि जगतपुर के रास्ते गंगटा पोखर के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु सरस्वती विसर्जन के लिए जा रहे थे। इसी दौरान मध्य विद्यालय के समीप दूसरे समुदाय के द्वारा जमकर पत्थरबाजी एवं कुछ राउंड फायरिंग भी की गई, जिसमें दर्जनों की संख्या में लोग जख्मी हो गए। साथ ही कहा गया कि विसर्जन जुलूस के दौरान उपद्रव मचाने की साजिश पहले से ही रच ली गई थी। इधर असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए इस कुकृत्य पर लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस घटना का सीधा आरोप मुखियापति तस्लीम पर लगाया है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि मुखियापति के निर्देश पर ही विसर्जन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं पर पत्थरबाजी की घटना हुई और फायरिंग भी की गई, जिसमें लोगों की जान बाल बाल बच गई। दुर्घटना में दो युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, उनका सर बुरी तरीके से फट गया है, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इधर घटना की सूचना मिलने पर सदर SDO धनंजय कुमार, ASP राज, CTDSP अजय कुमार चौधरी समेत अन्य थानों की पुलिस व विशेष पुलिस बल घटना स्थल पर पहुंची, जिसके बाद पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। पर घायलों के परिजन लगातार हंगामा कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके साथ विशेष समुदाय के द्वारा बर्बरता की गई है और वे लोग डर के साए में जी रहे हैं।
हालांकि विधि व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है और सभी चौक चौराहों पर पुलिस की टुकड़ियां मुस्तैदी से तैनात है। कोई भी घायल नहीं है, कोई भी पुलिस वाले घायल नहीं है, लेकिन हम लोग को सूचना मिली थी कि विसर्जन के दौरान कुछ पत्थरबाजी हुई है, तो हम लोग त्वरित सारी टीम को यहाँ पे भेज दिया गया और यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत जो एक होता है छोटा मोटा तनाव था, थोड़ा विवाद था, पर अभी स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है और शांति है पूरे तरीके से। हम लोग ने जहाँ पे आवश्यकता अनुसार फोर्स और मजिस्ट्रेट का भी डेपुटेशन कर दिया है और हम लोग लगातार जो आसपास का सीसीटीवी फुटेज है उसको भी खंगाल रहे हैं। तो जो भी दोनों तरफ से जो भी मतलब असंतोष जताया गया है कि उनके द्वारा ये किया गया या उनके द्वारा ये किया गया, उसकी पुष्टि हो जाएगी, क्योंकि आप लोग भी देख रहे हैं कि हर एक जगह सीसीटीवी लगा हुआ है और वर्तमान में अभी कोई भी चिंता की स्थिति नहीं है और पूरी तरीके से स्थिति कंट्रोल में है और शांतिपूर्वक अभी सब कुछ हम लोगों ने विसर्जन भी करवा दिया है। हाँ, एक लड़के को चोट लगी है, थोड़ी सी चोट लगी है, उसका प्राथमिक उपचार करा दिया गया है और वो भी अभी सामान्य स्थिति में, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा लोगों के द्वारा बोला जा रहा है, लेकिन वही फिर जो इसकी पुष्टि नहीं हुई है और जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए अभी आरोप और प्रत्यारोप दोनों तरफ से चल रहा है, तो वही उसकी जाँच की जा रही है और जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे सीसीटीवी भी पर्याप्त संख्या में है और कल हम लोग उसका अभी से ही दिखवा रहे हैं और जो भी जानकारी आएगी आप लोग से साझा की जाएगा। देखिए उन लोगों से अनुरोध रहेगा कि अफवाहों पे ना जाएं, अभी यहाँ पे पूरी तरीके से स्थिति कंट्रोल में है और आप लोग देख ही रहे हैं हर एक जगह पे फोर्स तैनात है। भागलपुर सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन में अधिवक्ता राजकुमार के द्वारा चार सूत्री मांगों को लेकर अमरण अनशन के तीसरे दिन अनशनकारियों की स्वास्थ्य बिगड़ने लगी, जिसके बाद शनिवार को रेफरल अस्पताल के डॉक्टर अतुल प्रकाश अपने टीम के साथ सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पहुंचे और अनशनकारियों का इलाज किया। डॉक्टर अतुल प्रकाश ने मीडिया को बताया कि कमजोरी के कारण उनके स्वास्थ्य में गिरावट आई थी, फिलहाल दवा दे दी गई है और अनशनकारियों की हालत ठीक है। वहीं अमरण अनशन पर बैठे समाजसेवी देवेश पोद्दार ने कहा कि अधिवक्ता राजकुमार की चार सूत्री मांग बिल्कुल जायज है। अमरण अनशन करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, आज चंदन कुमार विद्यार्थी अनशन पर बैठ गए हैं। मौके पर राजद नेता शिशिर कुमार सिंह, लोजपा प्रखंड अध्यक्ष मनीष कुमार, वीरेंद्र यादव एवं सचिन कुमार मौजूद थे। सिर में दर्द बता रहे हैं और हल्की खांसी की शिकायत है, बीपी थोड़ा सा हल्का बढ़ा हुआ आ रहा है, बाकी शुगर वगैरह ठीक है, बाकी सांस लेने में ऐसा कोई तकलीफ वगैरह नहीं है, पेट में दर्द वगैरह ऐसा कुछ नहीं, बस खांसी की समस्या। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस एसोसिएशन की ओर से 49वां एनुअल साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस और कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को BC राय ऑडिटोरियम सियालदह में किया गया। इस दौरान अस्पताल की फार्मेसी और डिस्पेंसरी का भी निरीक्षण कर वहां OPD में भर्ती मरीजों एवं डॉक्टरों से बातचीत की गई। साथ ही अधिकारियों ने स्वास्थ्य और इलाज से जुड़े हुए एक स्मारिका संकलन का अनावरण कर अस्पताल के सभी विभागों की सुविधा के बारे में जानकारी ली। पूर्व रेलवे की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सुगंधा राहा, GM मिलिंद के देवशकर, प्रिंसिपल चीफ मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर इंजीनियर मिहिर कुमार चौधरी, DRM दीपक निगम, मेडिकल डायरेक्टर BR सिंह और सुभाषीष दास समेत काफी संख्या में रेलवे एवं अस्पताल से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद रहे। भागलपुर के सुल्तानगंज में 29 फरवरी को पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के आगमन को लेकर महागठबंधन के नेताओं ने राजद नगर अध्यक्ष अफरोज आलम के नेतृत्व में बैठक किया।
बैठक में 29 फरवरी को भागलपुर के शाहजंगी मेला मैदान में 12:30 बजे पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के जन विश्वास यात्रा को संबोधित करने पर उनकी तैयारी को लेकर विचार विमर्श करते हुए अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का निर्णय लिया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में राजद जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव, सीमा जायसवाल, फरिंदर चौधरी सहित महागठबंधन के अन्य नेता मौजूद रहे। 29 तारीख को भागलपुर में जन विश्वास रैली जो साजंगी के मेला मैदान में है और वहां जन सैलाब रहेगा और वो जन सैलाब आज जहां भी हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जा रहे हैं उनके साथ जन सैलाब उमड़ रहा है। भागलपुर के सुल्तानगंज अंतर्गत पंडित हरि नारायण शुक्ला फाउंडेशन द्वारा संचालित एलिमेंट्री स्कूल सुल्तानगंज में शनिवार को वर्ग नर्सरी से लेकर वर्ग अष्टम तक के छात्र एवं छात्राओं के लिए हाल में संपन्न हुए खेलकूद प्रतियोगिता में विजेता छात्रों को पुरस्कृत किया गया। साथ ही आगामी CBSE की 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा के लिए छात्र एवं छात्राओं को शुभकामनाएं भी दी गई। कार्यक्रम में लगभग 150 छात्र एवं छात्राओं को विद्यालय के शिक्षक एवं अभिभावकों के द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस दौरान फाउंडेशन के सचिव राजेश शुक्ला ने बताया कि विगत 20 वर्षों से 10वीं के बोर्ड में परिणाम 100% रहा है। इस वर्ष भी स्कूल के छात्र एवं छात्राओं का परिणाम बेहतर ही रहेगा। वहीं ICICI बैंक पटना में कार्यरत डिप्टी मैनेजर आकांक्षा शुक्ला ने भी स्कूल के छात्र एवं छात्राओं को कॉमर्स स्ट्रीम व बैंकिंग में आगे बढ़ने का टिप्स दिया। साथ ही डॉक्टर अपराजिता शुक्ला ने साइंस स्ट्रीम के लिए स्कूल के छात्र एवं छात्राओं का मार्गदर्शन किया। इस दौरान सुमन सौरभ, आराध्या, सत्यम, अन्नू समेत अन्य छात्र एवं छात्राओं को खेलकूद प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए पुरस्कृत किया गया। मौके पर प्रबंधक रंजना शुक्ला समेत स्कूल के छात्र एवं छात्राएं समेत शिक्षकगण मौजूद थे।